दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज से वापस लौटने वालों में चूरू के भी 18 संदिग्ध शामिल थे। इन 18 संदिग्धों को चूरू में आइसोलेशन में रखा गया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग चूरू के हैं उन्हें सरदार शहर में आइसोलेशन पर रखा गया है और जो लोग सरदार शहर के हैं उन्हें राजलदेशर में आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने कहा, हम तमाम सावधानियां बरत रहे हैं, साथ ही साथ इनके सैंपल ले लिए हैं जो जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही ये सावधानी भी बरती गई है क्योंकि सरदार शहर में रहने वाले ये लोग अलग अलग जगहों में रह रहे थे, तो पूरे शहर को भी सैनिटाइज करवाया गया है। कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि हम हर तरह की सावधानी बरत रहे हैं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बस जागरूक रहने की जरूरत है। सरकार के जो भी दिशा निर्देश मिले हैं हमने फॉलो करते हुए वो तमाम व्यवस्था कर दी है और आइसोलेशन में भी इन पर खास ध्यान रखा जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चूरू में भी दिल्ली के निजामुद्दीन से लौटे लोगों के चलते कहीं ना कहीं एक तरह से परेशानी बढ़ी है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि वो पूरी तरह से तैयार है और हर तरह से नज़र भी रखी जा रही है और ये ध्यान भी रखा जा रहा है कि इनसे यदि ये पॉजिटिव आते हैं तो किस तरह से और संक्रमण ना फैले, इस पर ध्यान रखना है। फिलहाल इनकी रिपोर्ट जो है सैंपल के लिए दे दी गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको लेकर